जब हम पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए जाते हैं तो पंप कर्मचारी तुरंत जीरो चेक करने के लिए बोलता है। यह इसलिए बोला जाता है ताकि आप देख सकें कि मीटर जीरो रुपए से चालू हो रहा है। अगर आप चूक गए और मीटर में पहले से रकम मौजूद रही तो आपके साथ बड़ी ठगी हो सकती है। पर क्या फ्रॉड से बचने के लिए सिर्फ आपको जीरो ही चेक करना होगा? आपको बता दें कि पेट्रोल पंप मशीन पर जीरो के अलावा आपको एक और जगह अपनी पैनी नजर बनाए रखनी होगी, वो है फ्यूल डिस्टेंसी का। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल भरवाते समय केवल जीरो चेक करना ही काफी नहीं है, बल्कि डेंसिटी चेक करना भी बहुत जरूरी है। डेंसिटी से पता चलता है कि फ्यूल कितना प्योर है और कितना असली है। पेट्रोल पंप पर मिलने वाले फ्यूल की डेंसिटी सरकार द्वारा तय की गई सीमा के अंदर होनी चाहिए। अगर डेंसिटी निर्धारित सीमा से कम या ज्यादा है तो इसका मतलब है कि फ्यूल में मिलावट जरूर है। तो ऐसे ही पूरी जानकारी हम देंगे आपको कि आप कैसे फ्यूल की डेंसिटी पेट्रोल पंप पर चेक कर सकते हैं। बता दें कि पेट्रोल की डेंसिटी 730 से 800 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के बीच होनी चाहिए। अगर डेंसिटी 730 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से कम है तो इसका मतलब यह है कि फ्यूल में पानी या फिर किसी दूसरी चीज की मिलावट जरूर की गई है। इस तरह आपकी जेब पर डाका डाला जा सकता है। इसके अलावा ऐसा पेट्रोल आपकी कार के इंजन या फिर आपके गाड़ियों के इंजन को बहुत नुकसान भी पहुंचा सकता है। डीजल की डेंसिटी चेक करने के लिए आपको 830 से 900 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के दरमियान जरूर देखना चाहिए। अगर फ्यूल डेंसिटी इस लिमिट के बाहर है तो समझ जाएं कि तेल में मिलावट की गई है। ऐसे डीजल खरीदना तो ना केवल पैसा बर्बाद होगा बल्कि गाड़ी के इंजन के खराबी आने पर भी खतरा बना रहेगा। पेट्रोल पंप पर डेंसिटी चेक करने के लिए पेट्रोल पंप मशीन पर डेंसिटी की स्क्रीन आपको ढूंढनी होगी। यहाँ अब आपको डेंसिटी की मात्रा चेक करनी होगी। अगर डेंसिटी तय लिमिट के अंदर होती है तो फ्यूल असली होता है। अगर डेंसिटी तय लिमिट के बाहर होती है या फिर कम होती है तो इस तेल में मिलावट जरूर है। अगर डेंसिटी में गड़बड़ी आपको नजर आती है तो आप पेट्रोल पंप के कर्मचारी से इसकी तुरंत शिकायत जरूर करें। आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आप कंज्यूमर फोरम में भी केस दर्ज कर सकते हैं। तो आपको यह जानकर कैसा लगा? आपके लिए जानकारी कैसी है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।